हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4 ऑन वेक्टर्स। टिल नाउ वी हैड डिस्कस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी लुक एट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इन फैक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमें a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? आप देखिए, अगर आपको कोई एक वेक्टर ए दिया हो और दूसरा कोई वेक्टर बी दिया हो, एरो से रिप्रेजेंट किया हमने ए वेक्टर को और बी वेक्टर को, ए का डायरेक्शन इस तरफ है, बी का इस तरफ है, मैग्नीट्यूड ए का कम है बी से, लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है। अब अगर हमें ए माइनस बी वेक्टर निकालना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज सेम एज दिस। a वेक्टर हमें पता है, b वेक्टर हमें पता है। अगर हमें माइनस b वेक्टर पता चल जाए तो हम a वेक्टर में ऐड कर दें माइनस b वेक्टर को तो हमें a माइनस b मिल जाएगा। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो यदि b वेक्टर ये है तो माइनस b वेक्टर क्या होगा? ठीक रिवर्स, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यू नो दिस इज माइनस b वेक्टर। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना b का था, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मीन्स ठीक उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री पे एरो टर्न कर देंगे। अब हमें a वेक्टर में माइनस b वेक्टर को जोड़ना है और दो वेक्टर्स को ऐड करना तो हम ऑलरेडी जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। तो अब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को हम जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे। यदि हम ट्रायंगल लॉ लगाएं, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं आप, ट्रायंगल लॉ अगर हम अप्लाई करें तो ए वेक्टर को पहले बना लीजिए, दिस इज ए, और ट्रायंगल लॉ एज वी नो दैट इट इज हेड टू टेल मेथड, ए के हेड पे माइनस बी के टेल को रखते हुए माइनस बी वेक्टर आप बना लीजिए। ये है माइनस बी वेक्टर, और ए के टेल से माइनस बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दें तो इन दोनों वेक्टर्स का, इसका और इसका रिजल्टेंट हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा और ये ए माइनस बी वेक्टर होगा, ए माइनस बी वेक्टर होगा। तो ये तो एक सिंपल तरीका है हेड टू टेल मेथड से, ट्रायंगल लॉ से। अब अगर हम पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करें या पैरेललोग्राम लॉ से जो हम लोगों ने एनालिटिकल फार्मूला डिराइव किया था उस फार्मूले को यूज़ करें तो ज़रा देखिए कि a प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो था उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था हम लोगों ने। एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था जिसको हम लोगों ने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था, ये मैग्नीट्यूड हो गया, वो क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ध्यान रहे थीटा यहाँ कौन सा एंगल था? जो ए और बी वेक्टर को टेल टू टेल रखने पे हमें मिल रहा था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी ये वाला वेक्टर मानिए। तो ए माइनस बी का अगर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा। ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्सप्रेशन में क्या होगा? देखिए, हर ए की जगह, देखिए ए प्लस बी की जगह ए प्लस माइनस बी वेक्टर है यहाँ, तो हर प्लस की जगह माइनस बी अब लिख दें। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एंड माइनस बी। तो इस एक्सप्रेशन में हम ए प्लस बी जहाँ था ए प्लस माइनस बी हो गया, हर जगह माइनस बी रखते जाएंगे ध्यान से। तो चलिए रख लेते हैं, ए की जगह ए स्क्वायर होगा, बी की जगह माइनस बी का स्क्वायर होगा और प्लस टू ए, और बी की जगह
माइनस भी होगा। मगर ध्यान देने वाली बात है, ये है क्या एग्जैक्टली? ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर का तो फाइनली वो पॉजिटिव ही हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉस क्या होगा? कॉस ऑफ एंगल बिटवीन विच टू वेक्टर्स वी आर गोइंग टू टेक, बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है समझने वाला। जब हम ए और बी को जोड़ रहे हैं तो हम यहाँ थीटा कौन सा एंगल लेंगे? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब हम ए और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, बीच में एडिशन का साइन है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो एंगल हम लेंगे वह एंगल ए और माइनस बी वेक्टर के बीच होगा। तो ध्यान दीजिए, ए और बी वेक्टर के बीच अगर थीटा डिग्री बनता है तो जरा माइनस बी वेक्टर ए के टेल से बना कर देखिए, ये हो गया माइनस बी। बी का ठीक रिवर्स कर दिया हमने, डायरेक्शन बदल दिया, मैग्नीट्यूड उतना ही लिया जितना बी का है। तो अब माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा टेल टू टेल? ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल होगा 180 डिग्री, सॉरी 180 माइनस थीटा डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन डिराइव्ड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नाउ वी आर सपोज टू टेक द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर ओवर हियर, एंड दैट एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा। सो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, देन 180 माइनस थीटा विल बी एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर। सो लुकिंग दैट वे वी विल पुट हियर 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। So now this expression will give you the resultant magnitude of resultant of A minus B vector. Now if you will work out, finally what you will get? A square plus, iska square karenge to ye bhi plus ho jayega, B square plus iska mod lenge to ye bhi kya ho jayega? Positive ho jayega kyunki mod le rahe hain. To 2AB कॉस 180 माइनस थीटा। इसमें बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि थीटा क्या लेंगे, माइनस हो गया तो कैसे? तो यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है। ध्यान दीजिए, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। यहाँ ये सारे क्या हैं? ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मीन्स पॉजिटिव ही होगा। जब भी मॉड लेते हैं किसी वेक्टर का वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके लिखा भी है ए माइनस बी के लिए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव है वेक्टर मगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव, लाइकवाइज ये भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ये भी पॉजिटिव। बच गया एंगल, यहाँ क्या लेंगे? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स वी हैव टू टेक, जो कि मैंने अभी आपको बताया ये एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो अब अगले एक्सप्रेशन में अगर हम लिखेंगे अगले स्टेप में इस एक्सप्रेशन को, तो ये रिड्यूस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दिस वे यू कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इससे हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को समझा, किसी भी दो वेक्टर को हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ के एनालिटिकल मेथड से वर्कआउट कर सकते हैं। Now see you in the next video with resolution of vector. This is very important, resolving a vector into its component. So see you, bye.